हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब चलते हैं जोइता मित्र के पास, जिनके साथ जुड़ी है बॉलीवुड की स्टनिंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने कोरोना को मात दी। जहाँ पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं सिनेमा जगत भी इससे अछूता तो नहीं। उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में बड़े पर्दे की चकाचौंध को छोड़ वो भी जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने निकल पड़े हैं। आइए मिलते हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जैकलिन फर्नांडिस इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच। और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है, हमेशा मैं कहती हूँ इस बात को, लेकिन आज एक बहुत ही सेंसिटिव विषय के बारे में हम बात करने बैठे हैं। सो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी जिंदगी को इस दौर ने इफेक्ट किया है, या आपका नजरिया क्या है? राइट नाउ विद व्हाट द कंट्री इज गोइंग थ्रू, ये इस पेंडेमिक में बहुत कुछ बदल गया। व्हाट वी आर सीइंग, इवन दो इन द न्यूज हर जगह में हमेशा बैड न्यूज सुनते हैं, देखते हैं, टॉक्सिक न्यूज, डेविस्टेटिंग न्यूज, पूरा देश आई थिंक इज लाइक गोइंग थ्रू अ ह्यूज क्राइसिस। तो बट व्हाट आई एम आल्सो ट्राइंग टू सी इज द पॉजिटिविटी इन द यूनिटी दैट आई एम आल्सो सीइंग पीपल कमिंग आउट टू हेल्प। सो फॉर मी आई विश आई हैड डन दिस सूनर, बट दिस रियली अफेक्टेड मी इन सच अ वे वेयर आई फेल्ट आई वांटेड टू डू समथिंग टू गिव बैक एंड आई रियली वांटेड टू हेल्प एंड डू माय ओन बिट। So, जिंदगी बहुत, बहुत कुछ बदल गया, but for me, in a way, what I'm trying to see is the positive side, and I've just launched a foundation of my own, and it has honestly been life-changing, because ever since we've started working on it, like for me, I think this has been one of the most life-changing things that has ever happened to me, and I really hope that, it grows and we can help as many people as possible. Jacqueline, जब आज दौर ऐसा चल पड़ा है कि घर से आप एक कदम बाहर रखते हो तो घर में जो बाहर बैठे हैं उनको चिंता हो जाती है कि बाहर मत जाओ, या जाओ तो ये करो, ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। सो एज यू सेड, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स का क्या कहना होता है और आप क्या एहतियात बरतती हैं, आप क्या कुछ करती हैं? आई डोंट एक्चुअली स्टेप आउट, मैं घर पे रहती हूँ, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स पीपल कैन डू। एंड जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ऑफकोर्स एवरीवन नोज बाय नाउ मास्क अप द लाइक द मोस्ट एसेंशियल थिंग यू हैव टू टेक आउट, एंड इफ यू आर स्टेपिंग आउट प्लीज वेयर योर मास्क। मैं ग्लव्स भी पहनती हूँ because I have my sanitizers, I sanitize my gloves as well, and it's important you maintain your social distancing. I know sometimes it's very bahut ajeeb hai na ki like hum distance pe rakhna hai, I know. I mean it's not natural, it's not normal, but it is really really important if we are to beat COVID and if we are to beat this pandemic. And this has become new normal. ये नया normal है और इसके साथ हमें जीना है. Exactly. So it's just an important protocol which we have to follow right now. And just think to yourself, अगर ये छोटे-छोटे steps करते हैं तो you're actually really contributing to this war against like COVID and you're doing your best. And घर पे actually if you are at home, so steaming is very good. So agar aap kar sakte hain to thoda steam le lo. Aur I have it right here, but ye haldi, yeah, I can see that, aur nimbu hai to kyunki immunity, and honey, I don't have it with honey but yeah, okay. Honey actually bahut acha hai, it'll actually even make it taste better, but this is like really strong, but I think immunity ke liye, if you want to build your immunity, right now COVID is a very deadly disease is what we are seeing. So as strong as you can make yourself, as far away as you can stay from it,
please protect yourselves and be safe. You plan your dates like far ahead of your schedules and ye mahina yahan karna hai, wahan jana hai, you know, you have your events, aapko filmon ke liye dates dena hota hai. Lekin ye jo sawa saal jo piche reh gaya hamara, aise mein un dates ki ka jo ek ek aapadhapi hoti hai, ek you know busyness jo hota hai jeevan mein, wo aap किस तरीके से आपने मतलब आप मिस करती आई हैं या फिर क्या कुछ किया, हाउ हैव यू एडजस्टेड? अगर मैं पूछूं कि पिछला एक डेढ़ साल यस कैसा रहा? मुझे लगता है कि अभी पूरा लाइक देश एडजस्ट करना है. इट्स लाइक हम देश एडजस्ट करना है, डेट्स बाद में कर लेंगे. राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बिकॉज़ इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक दिस इज नॉट समथिंग एनीवन हैज प्लान्ड फॉर. We have to, like, right now, actually, काम के बाद मैं सोचती हूँ. I'm only thinking about, like, ठीक है, COVID relief के बारे में सोचती हूँ. Like, what can we do to help? At this point, I feel that, you know, we need to unite on a different level and we just need to battle this out, you know, and help each other. So, yeah, I feel ki this is just the adjustment that we have to make, you know, in this day, you know. And I truly believe, main bahut positive hu ki ye sab temporary hai. वो बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ इश्यू बनता जा रहा है, ऐसे में पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, बट इफ वी मेक द एफर्ट मेडिटेट करने के लिए, थोड़ा लाइक हेल्थ पे ध्यान रखना, लाइक तो अगर योगा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, दिस विल एक्चुअली हेल्प टू ऑल्सो रिड्यूस आवर स्ट्रेस एंड लेस स्ट्रेस, तो इम्यूनिटी तो अच्छा होएंगे. तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इफ लाइक वी कैन इवन जस्ट डू, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर अस. आप सामने हैं, और अगर मैं कहूं कि आज देश में जो लोग इतने परेशान हैं, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी टीवी के आगे बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, सो How will you soothe them? आजकल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि my mind actually is only not even like, you know, on that right now. लेकिन let's be positive कि you know सब कुछ खत्म हो जाएंगे, ये COVID खत्म हो जाएंगे, we will come out of it very strong. आपका इनिशिएटिव जिसका नाम योलो, योलो अगर मैं पूछूं तो बड़ा कूल और बहुत ही यंग सा लगता है, एज यू नो आज का जनरेशन भी कहेगा अच्छा योलो क्या है, बट इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग. जो जो लाइन है, मैं आप ही से सुनना चाहूंगी कि आपने इसे किस तरीके से कंसीव किया है और ये जर्मिनेट कब हुआ, आपके जहन में ये आया कैसे, क्या कुछ करना चाहती हैं आप इसके जरिए? तो योलो का मतलब है यू ओनली लिव वंस, और यू ओनली लिव वंस. एंड एक्चुअली बहुत लोग समझते हैं कि यू ओनली लिव वंस, तो कम ऑन लेट्स गो पार्टी. आई मीन एक्चुअली जब मैं बात करती हूँ योलो के बारे में, पीपल आर ऑलवेज सेइंग हा हा या कम ऑन योलो, यू ओनली लिव वंस, कम ऑन लेट्स गो पार्टी, यू ओनली लिव वंस, कम ऑन लेट्स गो सी द वर्ल्ड. तो इट्स अ योलो थोड़ा सा लाइक सेल्फिश लाइक शब्द है. आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन अबाउट, दिस इज अबाउट मी, यू नो, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, आई ओनली लिव वंस. बट जब मैं एक्चुअली ये मेरा फाउंडेशन लाइक शुरू किया, लाइक एक नाम यू नो के लिए मैं सोच रही थी, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ लाइक यू नो वी ओनली हैव वन लाइफ, एक जिंदगी है, और आई मीन व्हाट डू वी डू विद दिस वन लाइफ. तो एंड एट द एंड ऑफ इट लाइक व्हाट इज इट्स पर्पस, व्हाट इज इट्स मीनिंग. तो आई थॉट लाइक यू नो यू ओनली लिव वंस, Why not make it a life so full of kindness, of giving? रोटी बैंक के साथ आप काम कर रही थी, आप पुलिस ऑफिसर्स को जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको आपने मास्क और सैनिटाइजर्स, जो मैंने वही कहा कि अपनी तरफ से जितना हो सकता था, यू हैव यू नो आप आगे आई हैं और उसको मदद करने की आपने कोशिश की. सो अभी वक्त ऐसा है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में और क्या कुछ करने का आपने सोचा है? आजकल लाइक पीपल आर डाइंग, यू नो, सो द नीड ऑफ द आवर इज कोविड रिलीफ. एंड व्हाट मी एंड माय टीम सेट आउट टू डू इमीडिएटली वाज ओके, चलो क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरी है,
what is going to help people, what's going to save people's lives. So, you know, we realized that hunger is a huge issue right now. So we partnered with the Roti Bank. We pledged to now feed 1 lakh people every month. Okay, and the Roti Bank is, you know, doing an amazing job and actually doing that. Of course, like now with the pandemic, bahut bada mushkil hai, but like it's actually grown a lot. I mean, the amount of people in need of food. So that's why I felt like, you know, we could fit in. Phir hum police force se baat kiya kyunki wo sab frontline, you know, frontliners hai. To wo sab frontline mein hai. To bola tha ki, you know, like actually we're in a shortage of masks, sanitizers. Wo log hamesha streets pe hain. They're like right in the, you know, in the front line. So agar masks, sanitizers bhej sakte hain, to, you know, that would be a great thing. So I got in touch with, I'm actually with a brand, you know, called RevoSafe, and I got their help, but we got them on board, and those were distributed. Then now the monsoons are also coming up. So they said that again, you know, we're going to have a shortage of raincoats. So it's these like little things here and there, small things, and which is very important. Actually, bahut zaruri ho jata hai jeevan mein. Actually, even with the animals, you know, like right now we're, you know, trying to see if we can, wherever we can spread our wings, wherever we can, you know, whatever we can do, we're trying to see, we're trying to now help with sterilizations of animals. There's apparently a lot more accidents and trauma that's or you know that's happening. Jo ho raha hai actually, you know, street animals ke saath. So it's like there's a lot of places in need, but what was important for me is it's not that there are a lot of people, you know, that are not able to maybe be out there or raise funds or, you know, give money. Paisa nahi de sakte hain, but that is not actually the point. Actually, jo bhi kuch kar sakte hain ghar pe ya society mein, wo kafi hai. But lekin kuch kijiye, because it'll make a huge difference. So with YOLO, we're also trying to do, like, we're trying to encourage people ki theek hai, to ghar pe matlab mummy ke saath, aur agar aapke building mein agar ek अगर बीमार लोग हैं, शायद, you know, उनके फैमिली के साथ नहीं है क्योंकि अभी ट्रैवल बंद है, तो, you know, शायद मे बी दे कैन शेयर फूड, खाना दे सकते हैं, बना सकते हैं. दे कैन स्टार्ट लाइक क्रिएटिंग सिस्टम्स वेयर लाइक मे बी दे आर हेल्पिंग देम, यू नो, गिविंग देम कंपनी. आजकल ऑल्सो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, तो इवन बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग घरों में रह रहे हैं, वक्त नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो वो बहुत मुझे बड़ा भी अफेक्ट करते हैं. आई मीन लाइक आई थिंक सब लोगों को. या आई मीन आई एम आल्सो अ लिटिल, यू नो, लाइक अफेक्टेड कि लाइक मेंटली, यू नो, दैट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमेशा हर लाइक हर जगह में हर वक्त आप बिजी हो, बुरी बुरी न्यूज़, यू नो, लाइक इट्स ऑलवेज लाइक इट्स सैड, यू नो. एंड लाइक सो आई थिंक लाइक मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग अ ह्यूज इशू. सो आई फील ऑल्सो दैट लाइक जितना लाइक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक कंपनी दे सकते हैं आपकी सोसाइटी में और घर पे, तो प्लीज कीजिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो, यू नो, एवरीवन, लाइक आई एम ट्राइंग टू एनकरेज पीपल टू बी अ कोविड वॉरियर इन देयर ओन वे, यू नो, खुद का स्टाइल, लाइक यू कैन बी अ कोविड वॉरियर. सो ऑल दीज किड्स दैट वी हैव, यू नो, दैट कम ऑन टू आवर चैट, लाइक द YOLO चैट, they are amazing. They're talking about like ha hum security guards ko, you know, khana dete hain, you know, like they're also in a way, you know, in the front line. You know, like whoever's in our society, we help this, like one person does like online shows, right. Poetry, music, so that he can entertain people maybe. So it's amazing to see these stories of kindness. For now, I just really really wish everybody watching, you know, कि प्लीज बी सेफ रहो, यू नो, लाइक परिवार के साथ रहो. ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स बी, यू नो, टेक कोविड वेरी सीरियसली, एंड या एंड बी पॉजिटिव प्लीज. आई मीन नॉट इन दैट वे दो, बी कोविड नेगेटिव. दिमाग से पॉजिटिव रहिए, दिमाग से पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन स्टे कोविड नेगेटिव प्लीज. या स्टे कोविड नेगेटिव, जी बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैकलीन, क्योंकि यू नो, पर्दे पर
एक अलग रूप नजर आता है एक्टर्स का, वो अपनी दुनिया में होते हैं, लेकिन आज जब उन पर्दों से बाहर निकलकर आप वही बातें कर रहे हैं जो हर घर में हो रहा है, वही बातें समझ रहे हैं जो हर कोई महसूस कर रहा है, सो विच इज लाइक यू नो हम कह सकते हैं कि वी आर टुगेदर और हम साथ हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा एंटरटेनमेंट वापस शुरू होगा, क्योंकि वो तो जिंदगी का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।